मुंबई के नजदीक विरार में विजय वल्लभ नाम के कोरोना अस्पताल में भीषण आग लग गई है और इस हादसे में वहां इलाज करवा रहे 13 मरीजों की मौत हो गई जबकि 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी जो थोड़ी ही देर में अस्पताल के कई हिस्सों में फैल गई। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मुंबई के नजदीक विरार से आ रही है जहां विजय वल्लभ नाम के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई और यहां पर कोरोना मरीजों का इलाज भी हो रहा था। और आपको बता दें, इस हादसे में इलाज करवा रहे 13 मरीजों की मौत हो गई जबकि 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी ये बात सामने आ रही है और थोड़ी ही देर में अस्पताल के कई हिस्सों में ये आग फैल गई और एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां जब आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया क्योंकि वहां पर कई मरीज इलाज करवा रहे थे जिसमें कोरोना के मरीज भी शामिल हैं और इस हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई। राहत बचाव का काम जारी है और ये बात सामने आ रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, शॉर्ट सर्किट वजह रही इस आग के पीछे, और राहत बचाव का काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी मरीज अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। विवेक, 13 मरीजों की जान चली गई, अभी की और क्या अपडेट है? फरा देखिए, आपको पूरी डिटेल बताना चाहेंगे कि ये जो आग लगी है मुंबई से सटे विरार में विजय वल्लभ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। रात के तकरीबन 3:15 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल आया था और ये जानकारी मिली थी कि आईसीयू में ये आग लगी है। और आपको बताना चाहेंगे जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आईसीयू में जब ये आग लगी थी तो वहां पर 15 कोरोना पेशेंट के मरीजों का इलाज चल रहे थे। सभी 15 मरीज जो है वो ऑक्सीजन पे थे और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड और जो प्रशासन वहां पर पहुंचता तब तक आईसीयू में जो 15 मरीज थे उनमें से 13 मरीजों की मौत हो चुकी थी। आनंद फानंद में पूरे अस्पताल को खाली करा लिया गया है और आग पर तकरीबन 5:30 बजे काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लोग आग से बचने के लिए कहीं जगह दूसरी जगह छुपने की कोशिश करते हैं और धुआं ज्यादा होने की वजह से वहां पर बेहोश हो जाते हैं। तो यही वजह है कि पूरे अस्पताल में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आईसीयू में आग लगने की वजह से 13 कोरोना मरीज की वहां पर मौत हो चुकी है। और शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आईसीयू में जो एसी लगे थे उसमें रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट लगने के बाद पूरा जो आईसीयू में आग लग गई थी। इसको इस पूरे मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिरकार इस घटना के पीछे जिम्मेदार लोग कौन हैं, लेकिन प्रशासन, विरार पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हुई है। जो मरीज वहां पर जिंदा बचाए गए थे उन्हें कोशिश की जा रही है कि उन्हें सुरक्षित दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके ताकि उनका इलाज अच्छे से अच्छा और उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जो अपडेट अभी सामने आ रहा है कि आईसीयू में जो 15 मरीज थे उनमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 मरीजों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, उनका भी इलाज चल रहा है और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फरा बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आईसीयू में ये आग लगी तो आईसीयू में आग लगना बहुत बड़ी लापरवाही है और मुंबई में पिछले कई दिनों से इस तरह के केस आए हैं जहां अस्पतालों में आग लगी है। क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है? आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? फरा देखिए, ये पूरा मामला अभी ये पूरा विषय जो है जांच का विषय है और इस पर जो प्रशासन है साथ ही साथ जो हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी आखिरकार किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा घटा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई बड़ी घटना हो चुकी है। मुंबई के भांडुप इलाके में भी एक मॉल में जब एक हॉस्पिटल था वहां पर भी आग लगी थी, वहां पर भी कई लोगों की जानें चली गई थी। कल ही महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हुआ है, नासिक में एक ऑक्सीजन लीक होने की वजह से वहां पे 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी थी और आज फिर से एक बड़ा हादसा महाराष्ट्र और मुंबई से सटे विरार में हुआ है, 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र पहले से ही कोरोना का एक एपिक सेंटर बना हुआ है, लोगों की कोरोना की वजह से जान भी जा रही है। लेकिन ऐसे हादसे जो लगातार मुंबई आसपास और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं उस पर प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल विवेक, और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को, मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है सुरक्षित। और आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की जहां पर ये आग लगी है। मुंबई के नजदीक विरार में विजय वल्लभ नाम के अस्पताल में आग लगी और इस हादसे में वहां इलाज करवा रहे 13 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें, 5 मरीज की हालत गंभीर है जिन्हें
दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है और शॉर्ट सर्किट वजह रही इस आग के पीछे और आईसीयू में ये आग लगी जहां पर ये मरीज भर्ती थे और 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई और ये आग अस्पताल के कई हिस्सों में फैली लेकिन 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अभी राहत बचाव का काम जारी है और कोशिश ये है कि सभी मरीजों को सुरक्षित बचा लिया जाए। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिन 13 लोगों ने जान गंवाई उनके परिवार वालों का कोई बयान अभी तक? फरहत, देखिए एक बहुत बड़ी घटना है जो पीड़ित परिजन है वो उनको अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि जो जो लोग इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं, एक उम्मीद लेके पहुंचते हैं अस्पताल में कि उनकी जो बीमारी से उनकी जान बच सकती है, लेकिन ऐसे ऐसे समय में किसी अस्पताल में आग लगना है तो परिजनों के लिए एक समझ के पहाड़ जैसा टूटने जैसा होता है, क्योंकि जो उनकी पूरी उम्मीदें होती हैं अस्पताल के ऊपर कि उनके कोरोना मरीज हैं, उन्हें अस्पताल ठीक करेगा, और ऐसे में अस्पताल में बड़ा घटने आग लगने से परिजनों की मौत होना, तो अपने आप में जो परिजन है काफी ज्यादा नाराज भी है। मैनेजमेंट के ऊपर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी, अगर घटी भी, अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लगी थी तो जो वहाँ पे मैनेजमेंट है पूरी कोशिश करते हैं, जो डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय पूरी कोशिश करते हैं कि मरीजों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो आईसीयू है वो इमारत की दूसरी मंजिल पर था, एक एक मरीज, सभी मरीज 5-5 लीटर की ऑक्सीजन पर उनका इलाज चल रहा था, अगर वो ऑक्सीजन हटाते तो भी मरीजों को दिक्कत होती, और सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक एक मरीज को दूसरे मंजिल से नीचे उतार कर दूसरे अस्पताल यहाँ पे पहुंच गया। देखा तो फायर ब्रिगेड गाड़ी जस्ट आई थी, मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी, अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं था, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का, बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे दो नर्स थी खाली, दो तीन नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए, फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने, और हॉस्पिटल का खुद का फायर का कुछ भी सोई नहीं था। यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल करते, 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल करते हॉस्पिटल का, और यहाँ पे खुद का उनका फायर का कुछ यही नहीं किया है। नासिक के बाद विरार में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं आप अभी वो रुग्णालय के सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे माले पे यहाँ पे जो आईसीयू था वहाँ पे आग लगी, करीबन 3 बजे आग लगी थी, और यहाँ पे जो अभी पुलिस तैनात है, वसई विरार महानगर पालिका के दमकल विभाग ने घंटे में यहाँ पे आके ये जो आग था उसके ऊपर काबू पाया है। अभी यहाँ पे 13 जन की मौत हो गई है, बाकी लोगों को और जो बाजू के जो ये रुग्णालय है उसको उन्होंने भेज दिया गया है। अभी इसका जिम्मेदार कौन है इसके तलाश अभी पुलिस कर रही है। विजय देसाई, न्यूज 18 इंडिया, विरार।